हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियलमी C67 5G फ़ोन है, तो रियलमी C67 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में एड्स वगैरह को बंद कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई भी एड्स आपके स्क्रीन पे शो हो रही है, एड वगैरह, तो उसको आप कैसे हटा सकते हैं फ़ोन पे, आप कैसे बंद कर पाएंगे एड्स को, तो आज हम बताने वाले हैं। किसी भी ऐप्स की जो ऐड है स्क्रीन पे शो हो रही है, तो उसको ऑफ कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना हो, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन में एड्स वगैरह को बंद कर सकते हैं रियलमी फ़ोन में, और ऐड वगैरह बंद कैसे कर पाएंगे। तो रियलमी फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है, देखते हैं आप शो हो रही है, तो आपके पास सेटिंग्स आ रही है। तो आपको यहाँ से ऐप सेटिंग्स पे जाना है, और ऐप सेटिंग्स पे जाकर जिस भी ऐप्स की जो भी ऐड आपके स्क्रीन पे शो हो रही है, उसको आप बंद कर सकते हैं। जैसे कोई भी ऐप्स की ऐड है आपके फ़ोन में आ रही है, जैसे आपकी क्रोम आइकन्स है, तो क्रोम आइकन्स की जो भी ऐड है स्क्रीन पे शो हो रही है, तो हम उसके जो ऐड्स का डाटा है उसको हम क्लियर कर देंगे। क्लियर करते ही जो भी आपकी फ़ोन की जो क्रोम आइकन्स की एड्स होगी स्क्रीन पे आ रही होंगी, वो बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से डाटा क्लियर करके आप एड्स को बंद कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं एड्स को, और आपके स्क्रीन पे शो नहीं करेगी। इस तरीके से भी आप एड्स को बंद कर सकते हैं, फिर स्पेशल ऐप एक्सेस पे जाकर डिस्प्ले ओवर अदर्स का भी यूज़ कर सकते हो, और इसके जरिए भी एड्स को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से अलाव है तो आप इसको डोंट अलाव भी कर सकते हो, और इसका यूज़ भी आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर एड्स को बंद कर सकते हैं रियलमी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और इसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें।